जल्दी ही आप लोगों को एक न्यू बैंक देखने को मिल जाएगा। न्यू बैंक भाई रिवील हो चुका है और ये लॉन्च भी होने वाला है। बेसिकली भाई स्लाइस ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी ले सकते हो, आप लोगों को सब चीज का सुविधा दिया जाएगा और ये आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। सो देखो इसका भाई मैं आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। स्लाइस क्रेडिट लाइन आप लोगों को पता होगा, जो भाई फिनटेक कंपनी थी, क्या था कि भाई आरबीआई का गाइडलाइन आया था जिसपे भाई रोक लगा दिया गया था, दूसरे थर्ड पार्टी से भाई आप लिमिट लेके नहीं दे सकते थे। लेकिन अभी के टाइम पे भाई ये सब प्रॉब्लम देखते हुए स्लाइस ने भाई अपना बैंक लॉन्च करने का पूरा भाई परमिशन ले लिया है, आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और स्लाइस जो है ना अपना बैंक लेके आ रहा है, जिसमें आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी मिलेगा, बैंकिंग का सर्विस का फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा, हर एक फीचर्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो इस साइड में आप लोगों को मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ, स्लाइस नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को भाई हर एक फीचर्स मिलेगा। देखो मैं आप लोगों को पहले ही बोलता हूँ, आप लोग अगर इस वेबसाइट को आपने भाई फॉलो किया है तो आपको ये सब अपडेट पहले ही मिल जाता है, या अदरवाइज आप लोग हमारे टेलीग्राम पे हैं तो आप लोगों को ये अपडेट मिल जाएगा। इसमें क्या है, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करता हूँ। स्लाइस भाई पहले आप लोगों को भाई क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, आप लोगों को पता होगा, जो आपको भाई क्रेडिट लाइन ऑनलाइन भाई कोई भी प्रोडक्ट बाय करने का लिमिट प्रोवाइड करता था, आप उसे यूज कर सकते थे, उसका भाई डेट रहता था, उसी के हिसाब से आप लोगों को भाई अपना बिल जनरेट करके आ जाता था और उसके बाद आप भाई पेमेंट कर देते थे। लेकिन भाई क्या हुआ कि आरबीआई के एक न्यू गाइडलाइन आया, जितने भी भाई पीपीआई एप्लीकेशन थी, थर्ड पार्टी से भाई लिमिट लेके आपको क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, फिनटेक जितनी भी कंपनी थी सब पे रोक लग गया था। उसमें भाई ये मेंशन किया गया था कि जो भी कंपनी किसी बैंक से मर्ज होकर चल रही है तो उसे कोई इशू नहीं है, बट अपनी तरफ से अगर भाई वो लिमिट खुद प्रोवाइड कर रही है तो वो नहीं चल सकती, या तो वो किसी बैंक के साथ में पार्टनर करना चाहिए या अदरवाइज आपको अप्रूवल चाहिए आरबीआई का। तो इस वजह से स्लाइस पे काफी टाइम से रोक लग गया था, लेकिन अभी के टाइम पे स्लाइस का न्यू अपडेट आ चुका है, आप लोगों का खुद ये बैंक में एक मर्ज कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं बैंक में, और उसके बाद आपको इसमें बैंकिंग का भी सर्विस मिलेगा, अकाउंट नंबर एफएस कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा, आप इसके भाई मोबाइल बैंकिंग से कंट्रोल कर सकते हो, प्लस इसमें आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी मिलेगा, जो हम भाई क्रेडिट कार्ड बोलते हैं स्लाइस क्रेडिट कार्ड, और उसके थ्रू आप भाई शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, नॉर्मल भाई जो क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं वैसे आप यूज कर सकते हो। सो ये एक भाई न्यू अपडेट है, मैंने सोचा आप लोग भाई अपडेट कर दूं, और बेसिकली भाई आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे इस वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे ऑलरेडी भाई पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप लोग भाई रीड करना चाहो आप आ सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कह रखा है और अभी भी मैं कहता हूँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना, जो भी भाई न्यू अपडेट रहता है ना तो इस पर हम भाई जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आपको भाई नोटिफिकेशन जाता रहेगा। सो ये भाई स्लाइस का कुछ न्यू अपडेट, सोचा कि आप लोगों को भाई इसको इन्फॉर्म करना चाहिए, आप लोगों को भाई इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि स्लाइस एक न्यू बैंक भाई विलय होके आ रहा है, जिसमें हर एक सर्विस देखने को मिल जाएगा। सो होप आप लोगों को भाई हैप्पी हो गए, जो भी पहले के भाई स्लाइस कस्टमर थे उनके लिए तो काफी ज्यादा भाई बेहतरीन ये खुशखबरी है, क्योंकि भाई बीच में स्लाइस होल्ड हो गया था, स्लाइस ने सर्विस देना बंद कर दिया था, बट अब भाई खुशी की बात है। होप आप लोगों को भाई ये जानकारी पसंद आया, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।